Well, good morning to all of you. This video is for the people in my subscribers list who are on the journey of healing themselves और अपनी life को वो better बनाने की places पर है. तो through this video, I'm just trying to come in connection with you all as there it is the only medium where we can meet directly. So बहुत सारे लोग जब मेरे पास आते हैं, they simply ask कि मैम कहाँ से स्टार्ट करें. देखिए, हर कोई मनुष्य अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाना चाहता है, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप वाइज, सोशली, स्टेटस वाइज. सबकी इच्छा रहती है कि वो कहीं ना कहीं उस पर एक स्टैंड बाय करे और बहुत सारे लोगों से वो कहीं ना कहीं भीड़ में अलग दिखे. बट हो क्या रहा है, वी आर स्ट्रगलिंग इन आर ओन माइंड्स एंड हम अपने दिमागों से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. और इसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं. सोशो इकोनॉमिक रीज़न तो है ही, साथ ही साथ हमारे कुछ कर्माज भी हैं. व्हेन इट कम्स टू गोइंग थ्रू द चार्ट लाइंस ऑफ पीपल अराउंड, हम जानेंगे कि सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं अपने अपने कार्मिक पैटर्न्स में फंसे हुए हैं. किसी को रिलेशनशिप सता रहे हैं, किसी को उसका खुद का माइंड ही सता रहा है, किसी को फैमिली की साइड से दिक्कत है, किसी को हेल्थ इश्यूज हैं और किसी को कुछ भी इशू नहीं है. तो एक ओवर थिंकिंग का उसके साथ प्रोसेस रनिंग बाय होता ही रहता है. समटाइम्स इट मे ऑल्सो हैपन कि आपको वर्क प्लेस पर भी बहुत सारे इशूज आ सकते हैं. इन सारी सिचुएशन में जब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड आपके सामने सिचुएशंस आसपास में आ रही हो, तो उन सारी कंडीशंस के अंदर जहाँ पर बाहर की दुनिया को लग सकता है कि यू आर इन लाइक परफेक्ट प्लेस, आपके पास सब कुछ तो है, यू आर लुकिंग परफेक्टली वेल, आप बहुत स्वस्थ दिख रहे हैं, यू आर स्माइलिंग और लाफिंग लाउड ऑल्सो इन द क्राउड, बट डीप विद इन कहीं ना कहीं गहरे अंतर्मन में आपको पता है कि यू आर फेसिंग अ वॉइडनेस इनसाइड यू. How to deal with that? And अगर ये ख्याल, ये प्रश्न आ भी जाए मन के अंदर कि मुझे इस चीज़ के ऊपर निकलना है, मैं अपनी लाइफ को ऐसे नहीं काट सकता या काट सकती, उसके बाद सबसे बड़ा स्ट्रगल शुरू होता है कि अगर ऐसा ख्याल दिमाग में आ भी गया है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म नहीं होने वाली है, आपकी सेल्फ जर्नी, सेल्फ हीलिंग जर्नी पैरेलली साइड ही साइड चलती रहेगी. उसके लिए आपको कोई सेपरेटली स्पेस या कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस अलग से मिलने वाली नहीं है. एंड मिडिल क्लास फैमिलीज़ के अंदर, या फिर यूँ कहिए जहाँ पर भी आपका फैमिली डायनेमिक्स इन्वॉल्व है, आपको बहुत प्राइवेट स्पेस सेल्फ हीलिंग जर्नी के लिए मिलने वाली नहीं है. इसमें आपको बहुत केयरफुल होना होता है कि आप अपने लिए टाइम खुद कैसे निकाल पाते हैं, जस्ट बाई प्रोवाइडिंग दैट स्पेस टू योर सेल्फ. फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट स्टार्ट राइटिंग द थिंग्स. पहला स्टेप है टू एक्सप्रेस एंड रिकग्नाइज योर इमोशंस एंड फीलिंग्स. देखिए, लड़कों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि उनके लाइफस्टाइल थोड़ी सी ऐसी ही है कि वो भागा दौड़ी में लगे रहते हैं. दे बेरली गेट इनफ ऑफ टाइम टू जस्ट विटनेस देयर इमोशंस आउट. और रिलेशनशिप, सोसाइटी उनको ऐसे ही डेवलप करके रखी हुई है कि अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा फेस करना भी चाहें, एक्सप्रेस करना भी चाहें, तो उनको सप्रेस कर दिया जाता है. बट आफ्टर ऑल, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स. वी नीड टू टेक दिस बॉडी एंड माइंड सिस्टम टू द मैक्सिमम ऑफ इट्स कैपेसिटीज. हमारा टारगेट ये है कि हम अपने इस बॉडी माइंड सिस्टम से मैक्सिमम पोटेंशियली चीज़ें ले सकें और अपनी लाइफ को पोटेंशियल में जी भी सकें. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो चीज़ें आपकी डायरेक्टली आपको अफेक्ट करती हैं, सबसे पहले तो आपका शरीर ही. शरीर को ठीक करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये आपको देखना है. इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले एस्पेक्ट दैट इज़ योर बॉडी, उसके ऊपर काम करेंगे. लेटर ऑन वी विल टेक इट टू योर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, वेयर द रिलेशनशिप्स, वेयर सोशो इकोनॉमिक डायनामिक्स, फाइनेंसेस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड और सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाएंगी, उनको हम डिस्कस करेंगे. देखिए, बीइंग ए गर्ल, आई कैन से इट ऑल कि लाइक वेट गेनिंग और इमोशनल हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस इनसाइड द बॉडी, ये ऐसी कुछ एक चीज़ें हैं जो हर महिला को कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर परेशान कर ही रही हैं. आजकल कुछ बीमारियां हैं जिनको हम PCOD, PCOS बोलते हैं, ये बहुत प्रेविलेंट हो गई है. इसका रीज़न सिर्फ यही है
कि इमोशनल सप्रेशन, आपके जो भाव हैं, महिलाएं कुदरतन ऐसी प्राणी हैं कि दीज आर बीइंग्स जो एक्सप्रेस करना चाहती हैं, दे वांट टू रेसिप्रोकेट देयर इमोशंस थ्रू देयर ड्रेसिंग्स, थ्रू देयर वर्ड्स, पोइट्रीज एंड डेकोरेशंस इनसाइड देयर होम. बट लाइफ आजकल इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग है कि आप उस वाले एस्पेक्ट को, दैट इज़ योर भावनात्मक पक्ष, उसको खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. अब उसका परिणाम ये हो रहा है कि धीरे धीरे जो आप हैं वो आप नहीं हैं, और जो आप नहीं हैं उसको जीते जीते बहुत लंबे समय तक आपको दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं. इन सब परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे सिचुएशंस जहाँ पर आपको कुछ और बनने के लिए दिन प्रतिदिन की समस्याएं और दिन प्रतिदिन की सारी सिचुएशंस आपको इंस्पायर तो नहीं बोलेंगे, पुश कर रही हैं, ऐसे में अपने ट्रू बीइंग को कैसे होल्ड ऑन किया जाए, वो सेफ स्पेस कैसे अपने लिए क्रिएट किया जाए. सबसे पहले ये जो आपकी बॉडी है, दैट इज़ अ टूल, और यू कैन से दिस इज़ द medium through which you are going to experience everything around you, goods, bads, good karma, bad karma, अच्छे relationship, बुरे relationship, सब कुछ इस body के through जाने वाला है. तो अपनी diet and then through regular exercises, proper sleep, ये सारी जो basic चीज़ें हैं and proper amount of hydration inside your body will lead you to live a healthy life. आपको एक चीज़ आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ, हाइड्रेशन इनसाइड द बॉडी इज़ द बेसिक ऑफ टूल. हमें पता ही नहीं चलता कि बॉडी कब डिहाइड्रेट हो रही है. वेदर चेंजेस इन सब के साथ में बॉडी की रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रेशन अलग अलग है. एंड देन कम्स योर स्लीप, दैट डीप साउंड स्लीप विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, वो हमें मिल ही नहीं रही है क्योंकि हमारी डेली लाइफस्टाइल हैबिट्स उस तरह की हो रही हैं. तो इफ़ यू विश आई कैन शेयर सम टेक्निक्स और यू कैन से सम हैबिट्स विच यू कैन इनकॉर्पोरेट इन टू योर लाइफ स्टाइल्स. अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की कुछ भी हेल्प इफ़ आई कैन प्रोवाइड टू यू थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, काइंडली पुट दैट थिंग इनसाइड द इनबॉक्स सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोज, बिकॉज इट टेक्स सम टाइम टू कम ऑन टू दिस प्लेटफॉर्म एंड देन मेक वीडियोज एंड अपलोड द वीडियोज ऑन यूट्यूब. इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम एंड टाइम सभी के पास लिमिटेड है. आई विल बी हैप्पी अगर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी को कुछ हेल्प पहुँच पा रही है तो वो मुझे इंस्पायर करेगा टू मेक द फर्दर वीडियोज. थैंक यू.